वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे टेस्टी नमकीन खस्ता मट्ठी। इसको आप सुबह की चाय के साथ, शाम की चाय के साथ, जब भी आपका मन करे आप इसको खा सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना इस टेस्टी सी मट्ठी को। इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। इसमें मैं थोड़ी सी डाल दूंगी कसूरी मेथी, इसको मैं हाथों से क्रश कर लूँगी। अजवाइन डालूँगी इसमें, इसको भी मैं हाथों से क्रश कर लूँगी। स्वाद अनुसार इसमें मैं डाल दूंगी नमक, इसको मैं मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 3 चम्मच मोइन के। मोइन डालने से मट्ठी जो है बहुत ज़्यादा खस्ती बनती है। मोइन डालने के बाद मैदे को मैं अच्छी तरह मोइन के साथ मिक्स कर दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैदे को मोइन के साथ मिलाने के बाद इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे। देखिए मोइन हमने इसमें बिल्कुल परफेक्ट डाला है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को जो है लगा लूँगी। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, जितनी हमको ज़रूरत होगी उतना पानी डालकर मैदे को हम लगा लेंगे। मैदा जो है हमने ना ही ज़्यादा सख्त लगाना है और ना ही ज़्यादा हमने नरम लगाना है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर किया कीजिए प्लीज़। इस तरह से मैदे को मैं लगा लूँगी। हमें इस तरह का नरम मैदा जो है लगाना है। देखिए इस तरह से मैदे को मैं आप 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी, ताकि मैदा जो है अच्छी तरह सेट हो जाए। देखिए मैदा सेट हो गया है। तेल को मैंने गर्म रख दिया है। अब मैदे को इस तरह से मैं दो देखिए पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। देखिए इस तरह से एक पेड़े को मैं हाथों के बीच इस तरह से रख के देखिए लंबाई की शेप में इसको मैं देखिए इस तरह से कर लूँगी। अब जितनी छोटी बड़ी मट्ठी आपको बनानी है, देखिए इस तरह से हम बीच में से लोई तोड़ लेंगे और हाथों से ही हम इस तरह से मट्ठी की शेप जो है दे लेंगे। हमें बेलन से नहीं बनानी मट्ठी, हाथों से हम इस तरह से लोई को तोड़कर देखिए इस तरह से मट्ठी की शेप जो है दे लेंगे। देखिए इस तरह से एक मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसको इस तरह से सारी मट्ठी बना लूँगी मैं। दूसरे पेड़े को भी मैं उसी तरह से हाथों के बीच रख के इस तरह से लंबाई की शेप दे लूँगी और लोई तोड़कर सारी मट्ठियों को जो मैं है तैयार कर लूँगी। देखिए सारी मट्ठियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। तेल को मैंने पहले ही गर्म रख लिया था। अब एक बार जितनी कढ़ाई में मट्ठी आएगी उतनी मैं कढ़ाई में डाल लूँगी। गैस हमारी लो टू मीडियम है। इस तरह से मैं मट्ठियों को तेल में डाल दूंगी और मट्ठियों को तुरंत डालने के बाद हम तुरंत इसमें कड़छी जो है बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें कड़छी जो है डालकर इसको उलट पलट कर देंगे। जब हम इसमें मट्ठी डालेंगे ना तेल में, उस वक्त हमारी जो गैस है वो लो टू मीडियम होनी चाहिए। उसके बाद हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि लो आँच पर ही हम इसको पकाएंगे। अगर हम इसको तेज आँच पर पकाएंगे ऊपर से तो इस पर कलर आ जाएगा, लेकिन बीच में से ये कच्ची रह जाएंगी। इस तरह से हम उलट पलट कर इसको लो आँच पर पकाएंगे। देखिए इसमें कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी मैं इसको और थोड़ा पकाऊंगी। देखिए गोल्डन होने लग गई हैं। 1 से 2 मिनट तक मैं इसे और पकाऊंगी, ताकि इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए कढ़ाई से सारी मट्ठी को जो मैं है निकाल लूँगी। देखिए सारी मट्ठी को मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसकी करूँगी प्लेटिंग। देखिए ये हमारी टेस्टी सी खस्ता नमकीन मट्ठी बनके तैयार है। आप भी इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।